हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैंने ग्रीन साड़ी के साथ मैचिंग ये ग्रीन आई मेकअप लुक क्रिएट किया है। एंड दोस्तों, सेम टेक्निक यूज़ करके आप अपने ड्रेस के साथ मैचिंग कोई भी आई मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। एंड दोस्तों, दुर्गा पूजा, नवरात्रि या फिर कोई भी इंडियन फंक्शन के लिए आप ये मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। आप बहुत ही सुंदर दिखोगे। एंड दोस्तों, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। थैंक यू कृष्णवेणी फॉर योर रिक्वेस्ट। एंड जो भी प्रोडक्ट लिंक्स है एंड मेरे अदर मेकअप ट्यूटोरियल के लिंक से वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर चेक करना। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, इसको जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड ब्यूटी रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए एंड मेरे दोस्त बनने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। एंड बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आप कोई न्यू वीडियो अपडेट मिस ना करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं वाओ का एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ एज अ मॉइस्चराइज़र एंड एज अ मेकअप प्राइमर। ये मेरे फेस को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज़ करने के साथ साथ मेरे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में भी हेल्प करता है, क्योंकि मुझे बहुत सारा प्रोडक्ट एक साथ यूज़ करना अच्छा नहीं लगता है। एक ही प्रोडक्ट से मेरा सभी काम हो जाता है। उसके बाद मैं स्पूली की मदद से अपने आईब्रोज़ को सेट कर लूँगी। एंड शिवाना आई शेडो पैलेट से ये जो दो डार्क ब्राउन कलर है उसको मैं एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से अपने आईब्रोज में अप्लाई करूंगी एंड आईब्रोज को फिल कर लूंगी जो भी गैप्स है। उसके बाद दोस्तों, हम आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मैं मेबलिन का फिट मी कंसीलर इन दी शेड 10 लाइट यूज करूंगी एज अ आई शेडो बेस। एंड इसको मैं अच्छे से ब्लेंड भी कर लूँगी एंड मैं अपने ब्राउ बोन को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ। उसके बाद जो ये मैट हाईलाइट पाउडर है सेम पैलेट से वाइट कलर का, उससे मैं अपने कंसीलर को सेट कर रही हूँ। इससे जो मेरा आईलिड है काफ़ी ब्राइट हो जाएगा। उसके बाद ये हुडा ब्यूटी का ड्यूप आई शेडो पैलेट है, आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत कलर है। उसमें से मैं ये पीची सा कलर है ईडन, इसको मैं अपने क्रीज में अप्लाई करूँगी। एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से मैं अच्छे से इस कलर को थोड़ा सा टाइम लेके ब्लेंड करूंगी, क्योंकि एक अच्छा आई शेडो लुक के लिए आपको अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं मार्स का आई शेडो पैलेट से ये डार्क ब्लैक कलर लूंगी एंड इसको मैं अपने आँखों के आउटर वी में प्लेस करूंगी एक पेंसिल टाइप ब्रश की हेल्प से। और ये जो ब्लैक है ये काफ़ी डीप है एंड इससे एक काफ़ी अच्छा स्मोकी इफेक्ट आता है। उसके बाद दोस्तों, मैं ये डार्क ग्रीन कलर यूज़ करूँगी ब्लैक के बाद में, क्योंकि इससे जो होगा ग्रीन से ब्लैक का, ब्लैक से ग्रीन का जो ट्रांजिशन है कलर का काफ़ी अच्छा आएगा। तो मैं थोड़ा सा ब्लैक के साथ इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ, आप देख सकते हो। उसके बाद मैं दोस्तों ये ग्रीन कलर अप्लाई कर रही हूँ। आप इसके जगह अपने ड्रेस के मैचिंग कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हो। और इसको मैं अपने फिंगर की मदद से अपने आईलिड के सेंटर में प्लेस कर रही हूँ। आप देख सकते हो मैं किस तरह से अपने फिंगर की मदद से ही अच्छे से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद दोस्तों, सेम हुडा ब्यूटी पैलेट से ये ब्यूटीफुल गोल्डन कलर मैं अपने इनर कॉर्नर में प्लेस करूंगी। आप ब्रश की मदद से भी इस कलर को प्लेस कर सकते हो, स्मॉल ब्रश की मदद से, बट मुझे फिंगर से अप्लाई करना ज़्यादा अच्छा लगता है एंड फिंगर की मदद से ही मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आप देख सकते हो जो कलर से कितना खूबसूरत लग रहा है। और उसके बाद जो ये ब्राउन सा कलर है एम्बर, इसको मैं सेम ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से अपने क्रीज में अप्लाई करूँगी और अच्छे से जो आई शेडो उसका एजेस है उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं एनवाई बे का लिक्विड आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अफोर्डेबल है एंड बिल्कुल जेड ब्लैक कलर है, तो मुझे काफ़ी पसंद है ये आईलाइनर। एंड दोस्तों, आज मैंने ये सेलोटेप मेथड अप्लाई किया है ताकि जो आई शेडो है एक्स्ट्रा आई शेडो को आपको क्लीन ना करना पड़े एंड विंक आईलाइनर भी आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों, मैं लैक्मे का आइकॉनिक काजल यूज़ कर रही हूँ। आप
अपने लोअर लैश लाइन में एंड अपर लैश लाइन में, एंड मैं बिल्कुल इनर कॉर्नर तक अप्लाई नहीं करती हूँ, इससे मेरा आईज जो है थोड़ा सा छोटा लगता है। उसके बाद मैं वेका का आई लैश कर्लर से अपने आई लैशेज को कर्ल कर लूँगी। उसके बाद मैं मेबलिन का ये मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, मुझे काफ़ी पसंद है ये। और हमको अपर एंड लोअर लैश लाइन में मस्कारा अप्लाई करना है। उसके बाद मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ अपने जो डार्क सर्कल्स है उसको हाइड करने के लिए, एंड अपने फेस को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए, ब्राइट बनाने के लिए इस तरह से। एंड मैं जो भी मेकअप ब्रशेस यूज़ कर रही हूँ वो है पोना स्टोर का, ये काफ़ी अच्छा ब्रांड है। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड ये अभी मैं फाउंडेशन यूज़ करूँगी, लैक्मे का इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन, एंड मेरा शेड है 01। ये काफ़ी नेचुरल कवरेज देता है, एंड अगर आपको और भी ज़्यादा कवरेज चाहिए तो आप मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो, वो भी मुझे काफ़ी पसंद है। एंड मैं अभी इसको ब्रश की मदद से ब्लेंड कर लूँगी। ब्रश की मदद से ब्लेंड करने से काफ़ी अच्छा फिनिश आता है। उसके बाद मैं लैक्मे का 925 कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ अपने फेस को सेट करने के लिए। ये कॉम्पैक्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद इसलिए है क्योंकि ये लिटिल बिट कवरेज भी आपको देता है, एंड काफ़ी अच्छा है। मेरा शेड है मेलॉन। उसके बाद मैं अपना करंट फेवरेट मेबलिन का मास्टर कॉन्टूर पैलेट से ये कॉन्टूर ब्लश एंड हाइलाइटर अपने फेस में अप्लाई करूँगी। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मैं पूजा में भी इसको अप्लाई करूँगी अपने मेकअप के लिए। और अभी मैं अपने फेस को कॉन्टूर कर रही हूँ, एंड जो एजेस है उसको मैं कॉम्पैक्ट पाउडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मैं अपने नोज़ को भी लिटिल बिट कॉन्टूर कर रही हूँ। उसके बाद सेम तरीके से मैं एक कॉम्पैक्ट पाउडर लूँगी ब्रश पे, स्मॉल ब्रश पे, एंड एजेस को अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। अभी मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं सेम पैलेट से अपने फेस में हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस का जो हाईएस्ट पॉइंट्स है उसमें। और मुझे हाईलाइटर अप्लाई करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हमारा फेस जो है काफ़ी ग्लोई ग्लोई सा लगता है। उसके बाद मैं लिपस्टिक के लिए नायका का मैटी लिपस्टिक इन दी शेड स्कारलेट साइरिन यूज़ कर रही हूँ। आपका अगर रेड ग्रीन कलर का साड़ी है तो आप इस ग्रीन आई मेकअप के साथ रेड लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लगेगा। इसके साथ साथ आप न्यूड या फिर पिंक या फिर मेरून भी अप्लाई कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा दिखेगा। एंड दोस्तों ये है फाइनल लुक। आई होप ये मेकअप लुक आपको अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे आप सबके कमेंट पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड दोस्तों मेरे मेकअप सीरीज़ के सारे वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे इसको ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, फेसबुक, व्हाट्सएप एंड अदर सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करना। एंड आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।